नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत अपने गार्डन में खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी ये जो मौसम चल रहा है ना, सर्दियों के प्लांट लगाने का सबसे बढ़िया मौसम है। इस वक्त अगर आप प्लांट लगाते हो ना, तो आपके नवंबर में खूब बढ़िया फूल भी खिलने शुरू हो जाएंगे। और मतलब ये है कि सारी सर्दी आप फूलों का एंजॉय करोगे। जैसे कि अभी सर्दी स्टार्ट हुई भी नहीं है, बस होने वाली है। तो आगे हैं दोस्तों नर्सरी में और देखते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या तैयारी कर रखी है और कौन कौन से ऐसे प्लांट है जो कि हम नर्सरी से परचेज करके ला सकते हैं और बड़े आराम से अपने गार्डन में या क्यारी में लगा सकते हैं, पोट में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नंबर आता है हमारे गेंदे का। गेंदे की दोस्तों जैसे कि मैरीगोल्ड बोलते हैं और जाफरी भी बोलते हैं, एक दूसरी वैरायटी होती है। तो गेंदे वाली वैरायटी में कोई भी वैरायटी आपको मिल जाती है, तो इस मौसम में आप बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर भी कर सकते हो और उसके सीड भी आप अगले सीजन तक बचा के रख सकते हो। और दोस्तों फूल तो इसके मार्च अप्रैल तक खिलते ही रहेंगे। तो मेरे गोल्ड पे मेरी और भी वीडियो है, कैसे आपने बीज से उगाना है और कैसे इसकी प्रूनिंग कर करके आपने इसको जो और ज्यादा घना बनाना है अगर आप नर्सरी से लेके आते हो। तो नर्सरी से आपको अभी इकट्ठे रखे इसलिए आपको ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर आप लाओगे तो इतने ज्यादा हैवी नहीं लगेंगे। तो वो तैयारी आपने अपने घर पे आके करनी है वीडियो देख के। और दूसरे नंबर पे दोस्तों मेरा फेवरेट प्लांट है जो बहुत जल्दी फैलता है और आप हैंगिंग बास्केट में लगाओ अगर इसको तो बहुत सुंदर लगते हैं। पिछली जो मेरी वीडियोज है ना पेटूनिया पे, उसमें मैंने हैंगिंग बास्केट में ही लगा रखे और बहुत सुंदर फूल आ रहे हैं। तो इसका भी वही चक्कर है जी, बस जो पुरानी फ्लावरिंग होके फूल सूख जाए तो आपने बस उसको पिंच कर देना है उसकी स्टेम के साथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और भी नई नई ब्रांचेस निकलेंगे और आपका जो ये प्लांट है ना, चाहे अपने पोट में लगा हुआ हो चाहे हैंगिंग बास्केट में, सारा का सारा गमला आपका घेर लेगा। और इस तरह से नर्सरी में खिले हुए फूल मिल जाए तो थोड़ा सा आपको पसंद करने के लिए भी चॉइस मिल जाएगी कि मुझे कौन से कलर का फूल पसंद है और कौन सा मुझे लेना है। तो बिल्कुल ये भी सबसे बढ़िया प्लांट है दोस्तों विंटर का। और कुछ वैरायटी दोस्तों इसकी पेरिनियल भी आती है जो सारा साल चल जाती है, तो वो आप देख लें जरा कौन सी है, एनुअल है या पेरिनियल है। और थर्ड नंबर पे आते हैं दोस्तों मेरे फेवरेट प्लांट, वर्बीना बोलते हैं जिसको। और पीछे दोस्तों मेरे पास इसका व्हाइट कलर था शायद, और भी कई अब ध्यान नहीं आ रहा, शायद आप वीडियो देख लेना, शायद उसमें मैंने और भी कलर दिखा रखे हो। तो तीसरा प्लांट है दोस्तों अपना बिल्कुल वर्बीना। ये भी इसी तरह से जैसे फ्लॉक्स होते हैं, डैंथस होते हैं, इन्हीं की तरह से ही आपकी पूरी की पूरी बास्केट को या पोट को कवर कर लेगा। तो तीसरा प्लांट हमारा क्या हो गया, इसमें भी इतने सारे कलर आते हैं जय कि आप मतलब आप डिस्टर्ब हो जाओगे नर्सरी में जाके कौन सा कलर लो, इतने सुंदर सुंदर ब्राइट शेड्स आते हैं। और सर्दियों के फूलों की यही खासियत है दोस्तों कि इसमें इतने ज्यादा ब्राइट शेड्स आती हैं जो कि हमारी समर में नहीं आ पाती, चाहे वो गुलाब हो, चाहे अपने ये फूलों वाले पौधे हो, चाहे अपने मतलब कोई भी हो। और दोस्तों चौथा प्लांट है अपना सबका फेवरेट, डेलिया। तो मैंने वो छोटी छोटी पौध लगाई थी आपके साथ, वीडियो शेयर किया था कल, लेकिन अब ये बड़े प्लांट भी आ चुके हैं नर्सरी में और इन पे तो बर्ड्स भी आई हुई हैं, अभी खिला तो नहीं हुआ खैर कोई। और दोस्तों आप मेरी पुरानी वीडियो जो डेलिया पे देखोगे ना, उसमें मैंने आपको इसको इतना आसानी से कटिंग करके लगाना सिखा रखा है कि आप इसकी ब्रांच तोड़ के भी कट करके लगा देते हो ना, तो वो भी बड़े आराम से उग जाएगी और उसपे इस तरह से ही फूल आने शुरू हो जाएंगे। और मैं हमेशा दोस्तों ऐसे ही करती हूँ, दो चार प्लांट ही लेके आऊंगी बस, और उन्हीं की जो नई नई ग्रोथ आ रही होगी ना, वो मेन स्टेम पे से हटा हटा के और जगह लगा दूंगी। वो आप वीडियो अच्छे से समझ लेना, मैंने करके दिखा रखा है, डेलिया पे ज्यादा डीप में जाना है। तो एक प्लांट दोस्तों अपना ये हो गया डेलिया, तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाले हैं और एक प्लांट से आप कितने मर्जी प्लांट बना लो इनके। अब आते हैं जी एक और दूसरे प्लांट पे और वो भी सब्जियों का बहुत बढ़िया है, इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो मैंने बता ही दिया, पुरानी वीडियो आप देख लेना कैसे आपने उगाना है। पांचवा प्लांट है दोस्तों मेरा, कई बार दोस्तों हमारे जो हाइब्रिड वाले सदाबहार होते हैं वो ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं चल पाते, और ये दोस्तों थोड़े से ठंडक वाले एरियो के प्लांट होते हैं। जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं ना,
तो हमें ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है सदाबहार के हाइब्रिड कलर्स की। और हमारे यहाँ तो दो चार ही, मेरे ख्याल से दो तीन ही कलर होते हैं, एक डार्क सा पर्पल होता है, एक लाइट पर्पल और एक वो व्हाइट जो देसी वैरायटी है, वो तो अपना सारा गर्मी निकाल देगी आराम से, लेकिन इनका थोड़ा सा बचना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल ये दोस्तों, जैसा कि पहाड़ों पे मौसम रहता है ना हल्का हल्का ठंडा सा गर्मियों में, तो हमारे यहाँ अब वो मौसम स्टार्ट हुआ है, तो बिल्कुल ये प्लांट भी आपकी अपनी बढ़िया चॉइस है, क्योंकि इसमें भी दोस्तों बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं, तो ये भी एक आपके पास अच्छी चॉइस है। और इसके बारे में, किसी भी पौधे के बारे में दोस्तों डीप में जानना हो ना, पुरानी वीडियोज है मेरी विंटर वाली, तो एक एक पौधे को तैयार करना, ज़्यादा फ्लावरिंग करना या कटिंग से उगाना, सारे के सारे तरीके मैंने बता रखे हैं, तो वो आप एक बार देख लेना। और दोस्तों ये आते हैं कार्नेशन के फ्लावर, इस पे अभी एक ही खिला हुआ है, बड़े वगैरह तो बनी हुई है छोटी छोटी, पर चलो हमने तो चॉइस ही पता करनी है, ठीक है। और ये है दोस्तों कार्नेशन के फ्लावर्स, ये भी गुच्छों में लगेंगे और ये भी बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा ना एक बंच सा तैयार हो जाता है और बहुत सुंदर शेड्स आती हैं। और अभी तो छोटे छोटे है ना, ये भी अभी आए हैं इनके पास भी, तो अगर आप अभी लगा देते हो तो फिर सर्दियों में देखना आपका पूरा का पूरा गमला भर जाएगा, और ऐसे पत्ते तो दिखाई भी नहीं देंगे, इतने सुंदर गुच्छों में फूल लगेंगे इसमें। और सर्दियों के दोस्तों फूल ऐसे होते हैं कि ठंड का मौसम होता है ना एक तो, और फूल भी आपके ज्यादा टाइम तक टिके रहते हैं, ऐसे गर्मियों वाले फूलों वाले नहीं होते कि बस एक ही दिन लगेंगे और अगले दिन खराब हो जाएंगे। और एक और ये प्लांट है दोस्तों, छठे नंबर का प्लांट है अपना, ये है दोस्तों आपका मुर्गा कलगी, जिसको कि सिलोशिया बोलते हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपने ये नहीं सोचना कि ये गर्मी का है सर्दी का है, क्योंकि दोस्तों गर्मी में मेरे कई बार ये खराब हो जाते हैं प्लांट, जल जाते हैं। तो ये मौसम दोस्तों जो है ना, अगस्त के बाद वाला या अगस्त से स्टार्टिंग वाला, ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है प्लांट लगाने के लिए, क्योंकि गर्मियों में दोस्तों हमारे इतने सारे प्लांट खराब हो चुके होते हैं और बिल्कुल शौक तो हमारा कम होता ही नहीं प्लांट लगाने का, तो ये भी दोस्तों एक आपके पास बहुत बढ़िया चॉइस है। तो इसमें भी अलग अलग डिजाइन वाले आएंगे, अलग अलग रंग भी आने लग गए, अब तो मैंने दिखाई थी आपको पौध है ना, ऑरेंज है, येलो है, रेड, पिंक, तो इसमें दुनिया भर के कलर हैं। तो आइए चलते हैं जी दूसरी साइड, इस साइड के मैंने फिनिश कर दिए हैं, छह वैरायटी हमारी यहाँ पे हो गई हैं, और अब चलते हैं अपनी सातवीं वैरायटी की तरफ। तो उम्मीद है आपको अच्छे लग रहे होंगे फूल भी देखने में, और अच्छी अच्छी नॉलेज भी मिल रही होगी कि आप कौन से लगा सकते हो, अगर आप नर्सरी में जाओ तो वहां से आप क्या क्या लेके आ सकते हो। और दोस्तों सेवन्थ नंबर का जो हमारा प्लांट है वो है डैंथस। डैंथस भी दोस्तों बहुत बढ़िया है, और कई बार तो दोस्तों गर्मी भी अगर आप क्या आप इसे अच्छे से रख देते हो ना कहीं भी, मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट में, गर्मियों में भी, तो कई बार तो ये गर्मी भी निकाल ही देते हैं कई बार, और ज़्यादा ही बुरा हाल हो दोस्तों गर्मी का तो फिर क्या बताऊँ। और इसमें दोस्तों पेरिनियल भी आते हैं, एनुअल भी आते हैं, तो वो आप अपनी पसंद से देख लेना। और दोस्तों आते हैं एंड में, जो कि फूलों का राजा ही है, और दोस्तों किसी को किसी प्लांट का पता हो चाहे ना पता, उसको गुलाब का तो जरूर पता होगा, ये तो हम शौकीन आदमी हैं जो ये फूलों के नाम याद हैं, लेकिन दोस्तों किसी भी देसी आदमी को, किसी भी पढ़े लिखे को, कैसे भी दे ले लो, और वो पसंद से अगर कोई चीज़ लगाएगा ना तो सबसे पहले गुलाब को ही ढूंढेगा। और ये दोस्तों इस टाइम इतना बढ़िया मौसम चल रहा है गुलाब लगाने का, कि आप हल्की सी इसकी अपना कटाई छटाई करके अपने गार्डन में गुलाब लगा लो, तो अप्रैल मई तक खूब बढ़िया आपके फ्लावरिंग होती रहेगी, और फिर तो दोस्तों गर्मी शुरू ही हो जाएगी, फिर आपके अपने ऊपर है सेव करने का, कि आपने कैसे तरीका करना है उसका, कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, वो भी सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। तो गुलाब पे दोस्तों इतनी डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी मैं, क्योंकि मैं बस इस वीडियो में आपको प्लांट्स ही बता रही हूँ कि आप कौन से नर्सरी से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों गुलाब सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए इस टाइम लगाने का, और नई नई ग्रोथ दोस्तों गुलाब पे आ रही होगी, और बिल्कुल दोस्तों यकीन मानिए अब ये मौसम ऐसा चल गया है कि आप कैसा भी गुलाब लो आपका खराब नहीं होगा, और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावरिंग जैसे कि यहाँ हो रही है ऐसी आपके गार्डन में भी होगी। और गुलाब पे दोस्तों जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक्सपेरिमेंट किया था, वो खंगर वाला भट्टे की मिट्टी वाला, उसमें भी एक दो लगा के देख लेना, अच्छी ग्रोथ होती है तो
तो बिल्कुल दोस्तों, नर्सरी से लेते हैं अलविदा और अब चलते हैं। उम्मीद है मैंने ऑलमोस्ट जो भी इनके नए नए पौधे थे मैंने दिखा दिए होंगे। और ये कोलियस की भी वैरायटी आई हुई है, कोलियस भी मैंने आपको बड़े अच्छे से लगाना सिखा रखा है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं इनके भी। अपनी भी कटिंग बढ़िया चल रही है घर में, है ना, इतनी कोई देख के ललायत होने वाली बात नहीं है, यहाँ हमारी भी ठीक है। तो जी बस उम्मीद है आपको आज का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा, फ्लावर भी आपको अच्छे लगे होंगे, प्लांट्स की नॉलेज भी होगी होगी। तो आ जाते हैं अपने गार्डन में और अपने गार्डन में भी देख लेते हैं क्या क्या खिला हुआ है। तो ये दोस्तों एडिनियम के फूल कितने टाइम से मेरे खिलते आ रहे हैं, और दोस्तों कम से कम 20-25 दिन को एक फूल निकाल ही देता है, रियली बहुत टाइम से खिल रहे हैं ये। आप भी सोचते होंगे हर वीडियो में फूल आ जाते हैं, अब मैं क्या करूँ, ये खिल रहे हैं तो मुझे दिखाने पड़ेंगे। मुझे को ऐसे लग रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल से हो, है ना, कितने सुंदर फूल है एडिनियम के। थोड़ा तो टाइम तो लगता है अभी एडिनियम के फूल आने में, लेकिन जब आ जाए ना वाकई में मजा आ जाता है गार्डन में। और एक दोस्तों ये अपने गोरी चोरी के बेचारे जाने वाले हैं खैर, मतलब एवरग्रीन प्लांट है सारे, फ्लावरिंग प्लांट, तो कुछ टाइम रुक रुक के इसमें फूल आते रहते हैं, कभी रुकेंगे कभी आएंगे, है ना। इसमें मेरी अच्छी वीडियो है, आप वो देख लेना कि कटिंग से इसको कैसे उगाना है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग भी तैयार हो जाती है दोस्तों। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसकी कटिंग तैयार करने का। और बिल्कुल दोस्तों मैंने भी गर्मी में ही तैयार की थी, मुझे लग भी नहीं रहा था कि कटिंग चल भी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही बरसातों का पानी उनमें गिरा तो चलनी शुरू होगी। तो बस जी दोस्तों उम्मीद है आपको आज का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा, ये अपना गार्डन है और जो भी मैं नर्सरी से लेके आई हूँ प्लांट, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपनी शॉपिंग ही दिखाऊंगी, एक और प्लांट को लगाना भी बताऊंगी, बहुत सुंदर प्लांट है वो, और कहीं भी आपको उसके फूल खिले मिल जाते हैं तो आपने भी जैसे मैं कटिंग लगाना सिखाती हूँ आपको, स्टेम कटिंग की मेरी वीडियोस हैं वो देख लेना, और उस प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसके फूल भी अब आपको कहीं कहीं खिले हुए मिल जाएंगे, बस एक अपना डंडी तोड़ लाना अच्छी मोटी सी और अपने गार्डन में ला के उसकी कटिंग तैयार कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो देखना मैं क्या क्या लेके आई हूँ नर्सरी से। तो बस दोस्तों उम्मीद है इसी तरह से सुंदर सुंदर जीवन बिताएं, अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाएं, मस्त रहें व्यस्त रहें, अपना भी ध्यान रखें अपने पेड़ पौधों का भी रखें।